हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी थे, आज का सीन कुछ ऐसा होने वाला है। तो अभी थे हम अपने गांव की सड़क पर। तो आज बहुत टाइम बाद हम करने वाले हैं एक छोटी सी साइकिल चलाने वाले हैं और आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे बच्चे से जिसकी शक्ल अभी इंडिया के सबसे टॉप यूट्यूबर्स के चैनल पर आप उसको अक्सर देखा करते हैं। तो पीयूष जोशी के हम शक्ल कृष्णा भाई, जो कि हमारे गांव में ही रहते हैं, तो इनको मिलाने वाले हैं। ये देख सकते हो भाई, हाय कर दो भाई। हाय हाय, कुछ बोलो अपना नाम। कृष्णा लोधी। कृष्णा लोधी, तो कृष्णा पटेल हमारे साथ हैं, तो इनको दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हो भाई, बिल्कुल पीयूष जोशी से इनकी शक्ल मिलती है। तो ये हमारे साथ हैं, तो सीन कुछ ऐसा होने वाला है। तो चलने वाले हैं एक बहुत ही खास जगह जहाँ पर हम बचपन में जाया करते थे बच्चों के साथ। हम भी आज थोड़े बच्चे जैसे मज़ा लेने वाले हैं। आज है 2 जनवरी, तो नए साल का दूसरा दिन। तो कमेंट आ रहे थे भाई, इसलिए मैंने दिखाया। तो ये रहे भाई पीयूष जोशी। तो भाई शक्ल तो दिखा दो, बैक बैक ऐसे ही खड़े रहो, हम सिनेमेटिक ले रहे हैं। स्माइल, ये रहा भाई पीयूष जोशी, बचपन में ऐसे ही दिखते थे, ये देख सकते हो आप। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सुबह का बज रहा है 9 ही बज रहा है ना, 9 बज रहा है। तो लेट्स गो। अभी हो रखा है कुछ ऐसा सीन, हमारे गांव पर है एक चरखी, तो गन्ने वहां पर, गन्ने को जो कि भाई जैसा करते हैं उसको करके गुड़ बनाया जाता है, ऐसी चरखी बनी हुई है। तो वहां पर चल रहे हैं हम, कृष्णा भाई और हम जा रहे हैं। ये रहे कृष्णा भाई, तो चलिए। तो भाई साहब, खेती करना कितना टफ काम है। आज हमारे मित्र भाई से हम मिलने आए हुए हैं, ये सम्मानीय हमारे मित्र, ये देख सकते हो। तो इन्हीं की चरखी है, तो वहां पर लगी हुई है चरखी। तो अभी पहले हमने सोचा वहां का ब्लॉग शूट करने से पहले इसे मिल लिया जाए। तो क्या कर रहे हैं भाई साहब, दिखाते हैं आपको। तो ये क्या चल रहा है भाई साहब, दवा डल रही है, देख सकते हो भाई, दवा डल रही है यहाँ पर कचड़े की, कचड़ा मार दवाई। कौन सी दवाई डाल रहे हैं? गोटी डल रही है नीलम, 240। तो ये रहा भाई इनका खेत, मसूर में दवाई डाल रहे हैं और वहां पर चल रही है कि चरखी। तो कैसी है इस साल की फसल पटेल साहब? ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ। सब टनाटन है, सब टनाटन है मेरे पास। तो ये रही इनकी खेत, और ये हमारे गांव के ग्राम पटेल हैं भाई। तो इनके खेत पर आज हम विजिट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत टाइम बाद इस तरफ। तो हम बचपन में आया करते थे इनकी चरखी पर गुड़ खाने के लिए, तो आज इतने बड़े हो गए हैं तो बहुत समय बाद हम इस तरफ आए हुए हैं। तो दिखाते हैं आपको, तो किस तरीके से गन्ने को, जो कि क्या करते हैं उसको, गन्ने को चरखी में पीस कर उसका रस निकाल कर गुड़ बनाया जाता है, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं चरखी पर, हमने अपने भाई मित्र से मुलाकात की और अब दिखाते हैं किस तरीके से गन्ने को पीस कर भाई गुड़ बनाया जाता है, पूरा प्रोसेस कैसे कैसे करते हैं तो दिखाते हैं आपको। पहले लेकर चलते हैं आपको चरखी के पास। अभी चल तो नहीं रही है भाई, रस यहाँ पर जो होता है वो स्टॉक में पहले से ही है, ये देख सकते हो आप। और वहाँ पर एक जो कुंड है उसमें भाई रस को उबाला जा रहा है, दूर रहना। तो ये हमारे कृष्णा भाई को बोल रहे हैं हम दूर रहना, तो दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हम बचपन में आया करते थे यहाँ पर गुड़ खाने के लिए, तो तकरीबन हम 8-9 साल बाद फिर से यहाँ पर आए हुए हैं, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई यहाँ की, बचपन में आया करते थे। तो ये रही चरखी, तो ये पहले जब हम आए करते थे तो ये जनरेटर से चलाया करते थे, अब यहाँ पर जो कि बिजली यहाँ पर लगवा ली है उनने प्राइवेट बिजली अपनी चरखी के लिए, तो ये रही मोटर, तो इससे ये चरखी को चलाया करते हैं। और ये तो इसमें उस तरफ से भाई जो कि है, तो यहाँ पर इसमें यहाँ से गन्ना डालते हैं और उस तरफ से ये रहा भाई कुंड, इसमें आता है रस, तो इसी से गन्ने को पीसकर और यहाँ से ले जाकर इन कुंड में स्टॉक किया जाता है रस को। तो ये रही वो चरखी और ये कुंड भरे हुए होते हैं और यहाँ पर इन्हीं गन्नों के जो होते हैं छिलकों से आग को जलाया जाता है और ये रस उबलता हुआ अभी इसको पकाया जाएगा। तकरीबन कितना टाइम लगता है तो भैया से पूछते हैं कितना टाइम लगेगा इसको उबालने में। अरे हमारे डुप्लीकेट पीयूष भाई वहां पर बैठे हुए वेट करते हुए, अभी रस को उबाला जा रहा है। तो भैया कितना टाइम लगेगा अभी? एक घंटा लग जाएगा भैया। तो अभी लगेगा एक घंटा और लगेगा इसको उबलने में, तो तब तक हम वेट करते हैं, तब तक आप यहाँ के सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कीजिए। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम भी आज से 8-9 साल पहले आते थे इन बच्चों की तरह, तो हम भी ऐसे इन डंडों से अभी देख सकते हो कच्चे गुड़ को लपेट कर हम भी खाएंगे, इन्हीं की तरह दिखाएंगे आपको। तो ये हमारे नन्हे से सब्सक्राइबर पूरा भाई गांव के से सब बच्चे लोग यहां पर आए हुए हैं, तो यहां पर अभी वेट कर रहे हैं गुड़ को थोड़ा सा पक जाए फिर उसको इस कुंड में लाया जाएगा और यहां से फिर क्या करेंगे हम इसको इस गन्ने के टुकड़े में लपेट कर इसको फिर देखते हैं खाएंगे। तो दिखाएंगे ना यार पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा एक घंटा। तो यहाँ पर कुछ लोग काम करने वाले हमारे आने से भाई सोच रहे हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ अपना जो कि टैलेंट है मुझको दिखाया जाए, तो यहाँ पर नाच कर अपनी खुशी जाहिर करते हुए दिन भर काम करते करते सोचा थोड़ी मौज मस्ती कर ली जाए। तो देख सकते हो कितनी भाई हंसी मजाक कर रहे हैं एक दूसरे से, तो यही जिंदगी है भाई असली। तो यहाँ पर गुड़ हो चुका है तैयार और भट्टी से निकाल कर अब इसको इस वाले कुंड में पलटाया जा रहा है, ये देख सकते हो।
ये अब भाई बहुत गर्म होता है, अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर हमारे शरीर के ऊपर अगर ये उछल जाए या गिर जाए तो भाई चमड़ी निकाल लेता है। तो इसी में हम वो हमारी बचपन वाली चिकी बनाने वाले हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें बनाने वाले हैं हम चिकी। तो बच्चे लोग यहाँ पर बनाना शुरू कर दिए, ये देख सकते हो गन्ने की डंडी में भाई उसको लपेट रहे हैं गुड़ को। तो तो अभी भैया से अब हम हमारे लिए बनवा रहे हैं, ये देख सकते हो गन्ने की डंडी में भाई उसको जो गरम गरम गुड़ का जो ऊपर का होता है पट्टी वो हम इसमें लपटवा रहे हैं। इसको बोलते थे हम बचपन में चिकी। पतले गन्ने तो तुम खुद ही आगे बच्चे वो ही नीचे करके लपेट लो बोलते हैं भाई। बाल बाल डाल तुम तो। हाँ भाई मतलब घुमाते रहो ऊपर 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 घुमाते रहो घुमाते रहो। देखो भाई आना बनाई एक नंबर, तुम न कमालम का करत रहे चले जाए हम घर पे। तो गाइस हम आ चुके हैं बट चरखी से यहाँ पर, और ये देख सकते हो हमने बना के लेके आए हैं। इसको बोलते थे हम बचपन में क्या बोलते थे कृष्णा क्या चिकी। इस तरफ बताओ बताओ चिकी चिकी। तो इसको बोलते थे बचपन में चिकी, तो अभी बच्चे इसको बोलते हैं चिकी। तो ये रहा आज का ब्लॉग, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे एंड एक और नए ब्लॉग के साथ। बने रहिए चैनल में।